एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं आज भी महिलाएं न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। जी हां, ताजा मामला रायबरेली के थाना डी क्षेत्र के गांव रोखा का है, जहां की रहने वाली पीड़िता वसीमा बानो, जिसकी शादी कुछ वर्ष पहले अमेठी जनपद के फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के कस्बे में वसीम नाम के युवक के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही वसीम और उसके परिवार के लोग उसके साथ मारपीट व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे, साथ ही साथ भारी भरकम दहेज की डिमांड करने लगे। पीड़िता ने परेशान होकर पुलिस अधीक्षक रायबरेली आलोक प्रियदर्शी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। देखिए हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? वसीम बानो। कहाँ की रहने वाली? थाना कौन सा है? डी। क्या है मामला? शादी हुई जब से मारने पीटने और 5 लाख रुपए कैश। किसके साथ शादी हुई है? वसीम। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या बोलते हैं? बोलते 5 लाख कैश लेके आओ और 4 व्हीलर लेके आओ और एप्लीकेशन दे दो। अब क्या बोलते हैं कि जो है अपने माँ बहन के कहने पर मारते हैं कि सब लेके आओ, नहीं तो फिर जो है हम तुमको रखेंगे नहीं रखेंगे, और तुम रखेल बन के रहो, ये बन के रहो, तुम गुलाम हो, ये सब बोलते हैं। बोलते तेरे बाप का टीचर है, ऐसे हैं वैसे हैं। कब से मारते पीटते हैं? अरे शादी के 15 दिन के बाद से मारना पीटना चालू हो गया इनका। कहीं शिकायत की है इसके पहले? फुर्सतगंज थाने में की है। क्या हुआ था? तो वहाँ क्या हुआ, मतलब सुलहनामा कर दिए जबरदस्ती। आपने सुलहनामा जबरदस्ती कर दिया? आज आप कहाँ आई हो? आज आई हूँ एसपी ऑफिस। क्या बोले हैं यहाँ पे? यहाँ बोले कि जो है पति का मामला, मैं बोली हाँ, तो वहाँ लेके मैडम को दिया, मैडम जाके अंदर दे दिए कागज, जो है बोले कि वो कल जाएगी गाड़ी।